बहुत अच्छा लग रहा है। चिकन जो है एकदम जूसी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है और स्पाइसी भी है, तो बहुत मज़ा आया खाने में। बेस्ट ट्राई है, क्वांटिटी भी बहुत सही है और स्पाइसी तो बहुत ज़्यादा है। नया सा चीज़ है भुना चिकन रोल, और ये चिकन को भुना जा रहा है, इसमें क्या क्या डालते हैं? तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है चिकन खुरचन पाव। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, और आज हम लोग वापस से आ चुके हैं MOS, जिसका कि नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। पहले भी आ चुके थे, बट पहले हम लोग आए थे यहाँ के कैफ़े का रिव्यू करने, जो नया ये लोग लॉन्च किए थे, सुशी वगैरह और पटना में कहीं नहीं मिलता था, पहली बार MOS में लॉन्च हुआ था, उसका रिव्यू करने आए थे। आज हम लोग आए हैं यहाँ, आप बाहर में देख सकते हैं ये MOS लाइव काउंटर। ये बेसिकली एक स्ट्रीट फूड काउंटर है और काफ़ी हाइजेनिक तरीके से काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करके सर्व किया जाएगा स्ट्रीट फूड। आज हम लोग इसका रिव्यू करने आए हैं, इसके बारे में बताएंगे कि क्या कुछ मिल रहा है, क्या रेट्स है, क्या टेस्ट है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, न्यू ईयर आने वाला है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि न्यू ईयर कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है पटना में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए। तो उसी तरह का एक ऑप्शन को हम लोग लेके आ चुके हैं, जिसका कि नाम है रजवाड़ा, और ये रेस्टोरेंट भी MOS का ही है। MOS का ही पार्ट है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट आप आके यहाँ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके लिए ओपन होने वाला है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए मोस्टली, और सारा इंडियन कुजीन जो होता है वो सब कुछ मिलेगा। 799 रुपीज़ बुफे का रेट है, जिसमें कि ऊपर में डांस फ्लोर रहेगा, आके आप डांस वगैरह कर सकते हैं। बुफे सिस्टम रहेगा मेनली, जिसमें कि अनलिमिटेड फूड रहेगा, अनलिमिटेड मॉकटेल रहेगा, 5 डिफरेंट तरीके का स्टार्टर रहेगा, 5 लाइव काउंटर में मॉकटेल रहेगा, ग्रेवी में रहेगा, मेन कोर्स में बेसिकली ग्रेवी डिश रहेगा, लगभग 5 नूडल्स, बिरयानी, ब्रेड बास्केट, सूप, 4-5 तरीके का डेजर्ट होगा, सब कुछ अनलिमिटेड सिर्फ 799 रुपीज़ में, और डीजे भी रहेगा, डांस फ्लोर भी रहेगा, आप आके एंजॉय कर सकते हैं, न्यू ईयर को प्रॉपरली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो 31 के रात के 8 बजे से ये पार्टी स्टार्ट हो जाएगा, और 2021 जब तक हम लोग इंटर नहीं कर जाते हैं ये पार्टी चलता रहेगा। तो स्क्रीन पे आपके नीचे नंबर आ रहा होगा, जो भी क्वेरीज होगा आपका इस पार्टी से रिलेटेड आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में ये टिकट है, ये इसी तरह का टिकट आपको मिलने वाला है, जिसको लेके आप इंटर कर सकते हैं। तो आप प्री बुक कर सकते हैं अपना टिकट को, बात कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके और अपना टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, अगर आप सर्च कर रहे हैं कि कहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाए, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो चुका है पटना में। आप आके MOS में सेलिब्रेट कर सकते हैं अपना न्यू ईयर, यहाँ के न्यू ईयर पार्टी में ज्वाइन करके इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये MOS का जो लाइव काउंटर आप देख रहे हैं उसको, और बताते हैं यहाँ क्या मिलता है, क्या रेट है और क्या टेस्ट है। अगर लोकेशन की बात करें तो ईस्ट बोर्डिंग कैनाल रोड में गोदरेज इंटीरियो हमारे जस्ट बगल में, और जस्ट अपोजिट है आदित्य विजन, तो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका गूगल का लिंक डाला हुआ है, उस पर टैप करके एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं यही MOS का लाइव काउंटर है, और ये उनका मेन्यू है मेरे हाथ में, जिसमें कि एग रोल है, चिकन रोल है, डबल चिकन रोल, और ये देखिए जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लग रहा है, यूनिक चीज़ लग रहा है, वो है भुना चिकन रोल। 90 रुपीज़ इसका प्राइस है अगर आप विदाउट एग लेते हैं तो, और एग लेना चाहे, चीज़ लेना चाहे, आपके अकॉर्डिंग है, आप इसमें एड ऑन करवा सकते हैं, 10 रुपये के आसपास इंक्रीज़ हो जाएगा रेट। तो लगभग 100 to 110 के अप्रॉक्स में एग, चिकन और चीज़ तीनों कंबाइंड रोल मिल जाएगा आपको, काफ़ी रिजनेबल रेट है और क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, पूरी तरह से हाइजेनिक तरीके से काम हो रहा है। और भी बहुत कुछ है, पाव भाजी है, मोमोज़ है, बहुत कुछ है, कुछ कुछ जो इनका यूनिक यूनिक डिश देखने को लग रहा है उसको ट्राई करेंगे, लाइक इनका जो चिकन कुरचन पाव देखें काफ़ी यूनिक लगा है, नेक्स्ट ये जो भुना रोल बताएं वो ट्राई करेंगे, चिकन चिली रोल को ट्राई करेंगे, और एक और चीज़ पाव भाजी, क्योंकि पटना में बहुत कम जगह पाव भाजी मिलता है, तो इनके पाव भाजी को भी ट्राई करेंगे। इन 4 चीज़ों को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। तो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं इस गर्मा गर्म कॉफ़ी से, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, तो इस बार कॉफ़ी पीने वाले हैं, लास्ट टाइम मॉकटेल पिए थे, इस बार कॉफ़ी पीने वाले हैं। सो गुड, अब हम लोग बढ़ेंगे इनका जो लाइव काउंटर है उसके पास बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ मिलने वाला है, और ट्राई करेंगे लाइव काउंटर के डिफरेंट डिफरेंट डिशेस को। तो अभी हमारा देखिए भुना चिकन रोल बन रहा है, काफ़ी नया सा चीज़ है भुना चिकन रोल, और ये चिकन को भुना जा रहा है, इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें कैप्सिकम है, ऑनियन है, और इसमें मसालेस हैं, और चिकन है, इसको मतलब सारा इंडियन स्पाइसेस है, इंडियन स्पाइसेस है, इसमें चीज जाएगा, ग्रेटेड चीज जाएगा, अच्छा जूसी आएगा इसमें फ्लेवर, उसके बाद अच्छा देख के लगा कि ये चिकन चिली जैसा, बट ऐसा नहीं है, पूरा इंडियन स्पाइसेस डाला गया, इंडियन है, इंडियन फ्लेवर में सारे, और इसको रोल में किया जाएगा फिल। काफ़ी नया सा चीज़ है और देख के बिल्कुल देखिए कितना स्पाइसी ऐसा लग रहा है, सारा इंडियन स्पाइसेस डाला गया है, ड्राई नहीं है, हल्का ग्रेवी ऐसा रखा गया है सर।
तो अब हमारा देखिए रोल का जो ब्रेड है उसको तैयार किया जा रहा है और ऑलिव ऑयल यूज़ किया जा रहा है, मतलब स्ट्रीट फूड तो है बट क्वालिटी मिल रहा है आपको। बाकी कहीं भी आप जाते होंगे तो नॉर्मल ऑयल या रिफाइंड ऑयल यूज़ होता होगा बट यहाँ ऑलिव ऑयल में आपका रोल बन रहा है। और इधर देखिए हमारा भुना चिकन बन रहा है, ऊपर से थोड़ा धनिया का पत्ता से गार्निशिंग किया गया है, बिल्कुल एकदम इंडियन टच दिया गया है इसे और देखने में भी काफ़ी स्पाइसी लग रहा है। और एक तरह से हमको लगता है कंप्लीट मील होने वाला है जब ये ब्रेड में जाएगा और जब ब्रेड के साथ रोल के फॉर्म में रेडी होगा तो एक कम्बाइंड टेस्ट आने वाला है पराठा और चिकन का। इधर देखिए हमारा जो ब्रेड है रोल का वो रेडी किया जा रहा है, इसके ऊपर अब डाला जाएगा एग, दो एग यूज़ किया जाता है और पैरेलली सब कुछ चल रहा है। इधर हमारा ब्रेड रेडी हो रहा है, इधर हमारा चिकन रेडी हो रहा है, दोनों बिल्कुल गर्मा गर्म होने वाला है। तो ये हमारा ब्रेड हो गया है रेडी और इसके ऊपर अब जाने वाला ये टेम्पटिंग सा दिखने वाला भुना चिकन। ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी बहुत कुछ जाने वाला, बस देखते रहिए। ये गया थोड़ा सा सैलेड में प्याज और अब जाएगा हरी मिर्च, नेक्स्ट जा रहा है धनिया का पत्ता और नेक्स्ट है टमेटो सॉस, नेक्स्ट थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस और अब फाइनली जाने वाला है इसके ऊपर चीज़। ये कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं? अमूल का प्रोसेस चीज़ है ये। अच्छा। तो इस रोल में चीज़ भी मिलेगा आपको, चिकन भुना भी मिलेगा, एग भी मिलेगा, अनियन भी मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है, कम्बाइंड कम्प्लीट पैकेज आपके लिए और एकदम हाइजीनिक तरीके से काम होता है, ग्लव्स वगैरह पहन के। है तो स्ट्रीट फूड बट बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से आपको मिलेगा, ऑलिव ऑयल यूज़ किया जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा। तो अगर कुछ क्वालिटी वाला स्ट्रीट फूड खाना है, हाइजीनिक तरीके से खाना है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ भुना चिकन रोल है, आपको चिली चिकन रोल भी मिलने वाला। और इधर हमारा देखिए चिकन चिली रोल बन रहा है, इसमें चिकन चिली को यूज़ किया जाएगा, फिलहाल चिकन चिली प्रिपेयर किया जाएगा, नेक्स्ट इसको रोल में फिल किया जाएगा। और इधर हमारा बन रहा है अब चिली चिकन और इसको भी बनाया था ऑलिव ऑयल में। इधर देखिए अदरक डाला गया, थोड़ा सा हरी मिर्च डाला गया और अब प्याज और शिमला मिर्च और ऑलिव ऑयल में बनेगा चिली चिकन। यार देखिए एकदम स्ट्रीट फूड का मज़ा मिलने वाला आपको बट हाइजेनिक तरीके से, सारा ग्लव्स मास्क हेड कैप वगैरह पहन के यहाँ काम हो रहा है और प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला यूज़ किया जा रहा है, ऑलिव ऑयल यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट अब इसमें डालने वाला है चिकन जिसको कि वो लोग कट किए थे छोटे छोटे पीसेस में, हल्का ड्राई ऐसा रखा जाएगा इसे। अब जाएगा थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, नेक्स्ट थोड़ा सा टमेटो सॉस, ये क्या डाले? चाट मसाला, चाट मसाला, नमक, वाइट पेपर। अब गया थोड़ा सा वाइट पेपर चिकन चिली रेडी हो चुका है हमारा, अब इसको डाला जाएगा वो रोल वाले ब्रेड पे। तो हमारा ये ब्रेड हो चुका है रेडी, इसके ऊपर अब डाला जाएगा चिली चिकन। हाँ चिकन डालने में कोई कंजूसी नहीं किया गया, अच्छे से क्वांटिटी में डाला गया चिकन। प्राइस इसका भी बिल्कुल सेम है, 110 रुपीज़ इसका भी प्राइस है। और अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा चीज़, और चीज़ हर एक रोल में इनके डाला जाता है, आप कोई सा भी रोल लीजिए चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। तो चीज़ डाला गया थोड़ा सा ग्रेट करके, अब डाला जाएगा अनियन, नेक्स्ट थोड़ा सा ग्रीन चिली और इसमें हमने पहले से सॉस डाल दिया इसलिए इसमें दोबारा सॉस नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें पहले से सॉस डाल चुके हैं इस वजह से सॉस नहीं जाएगा। और कुछ बस हो गया कंप्लीट? बस चलिए, तो ये हमारा रोल हो चुका है कंप्लीट।
अब इसे ले जाके ट्राई करते हैं और देखते हैं कि भुना चिकन और चिकन चिली दोनों में से बेटर कौन सा है। ये हमारा दोनों रोल आ चुका है, जिसमें से कि ये है चिकन चिली रोल और ये है भुना चिकन रोल। ट्राई करते हैं कि टेस्ट कैसा है। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, 110 रुपीज़। टेस्ट बताते हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको कौन सा लेना आपके लिए बेटर होगा। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इन दोनों में से हमको बटर चिकन भुना लगा, क्योंकि थोड़ा इंडियन फूड ज़्यादा पसंद है। चिकन चिली रोल पहले भी हम लोग खा चुके, बट चिकन भुना रोल काफ़ी नया चीज़ था और बिल्कुल तीखा है, स्पाइसी है। और ब्रेड भी आपको मिल रहा है जैसे लच्छा पराठा जैसा, चिकन भुना भी मिल रहा है, थोड़ा सा अनियन भी मिल रहा है सैलड के रूप में। कम्प्लीट पैकेज है आपके लिए। वो चाइनीज़ खाना पसंद है, चिकन चिली वगैरह पसंद है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। चॉइस आपका है कि आपको कौन सा कुजीन पसंद है। अगर इंडियन पसंद है तो इसको ऑप्ट कीजिए, चाइनीज़ पसंद है तो इसको ऑप्ट कीजिए। चॉइस आपका, मेरे लिए मेरा फेवरेट है चिकन भुना रोल। तो अब हमारा बनने वाला चिकन खुरचन काफ़ी नया सा चीज़ है और अब डाला जाएगा बटर इस पर। बटर में बनता है ये, देखा जाएगा कैसे बनता है। काफ़ी नया सा चीज़ है, क्योंकि पहले कभी पटना में चिकन खुरचन पाव ऐसा कोई डिश नहीं देखे थे, यहाँ देखने को मिला चिकन खुरचन पाव। प्राइस है इसका 100 रुपीज़। इसमें डाला गया है ये चिकन, तो बटर में सबसे पहले चिकन को किया जाएगा फ्राई, हल्का तड़का जैसा लगाया जाएगा बटर में डाल के। अब डाला गया थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, अब हमारा पाव रेडी हो रहा है। सबसे पहले पाव को इस तरह से कट किया गया और सेम तवा पे जिसपे कि चिकन बना था उसी तवे पे पाव को भी डाला जाएगा, पाव को बनाया जाएगा और इसको भी बटर में ही किया जाता है, हल्का सा टोस्ट किया जाएगा। कौन सा बटर यूज़ करते हैं? बटर अमूल का है, अमूल बटर, मतलब सारा क्वालिटी वाला चीज़ यूज़ हो रहा है बटर सब। यस सर, अमूल बटर है ये। और आप क्या बता रहे थे कि पटना के लिए काफ़ी नया चीज़ है ये? पटना के लिए नया है, अभी तक मैंने भी, मैं यहाँ का शेफ हूँ, अभी तक मैंने यहाँ पटना में कभी ऐसा चीज़ नहीं खाया हूँ। आप कभी नहीं खाए हैं, काफ़ी नया चीज़ होने वाला है। पटना में आप ही लेकर आए, आप ही का ये डिश है, इन्वेंट किया हुआ? मैं ही पटना में लेकर आया हूँ इसको। अच्छा, आप खुद कहाँ से आए हैं? मैं खुद पटना का ही हूँ, लेकिन यस मैं कॉन्टिनेंटल सेफ हूँ। अच्छा अच्छा, आपका स्पेशलिटी कॉन्टिनेंटल फूड्स वगैरह है, तो ये क्यों कौन से सेक्शन में आएगा? ये इंडियन डिश है। इंडियन में हो गया, तो इसको क्या किए, सबसे पहले बटर को, बटर में थोड़ा सा तड़का लगाया इस चिकन को, नेक्स्ट पाव दे दिए साथ में। यस, और इसमें दोनों ब्रेड ऊपर से कोरिएंडर लीफ। ये प्रिपेयर्ड रेडी हो चुका है। तो कीमा पाव आप खाए होंगे, ये कुछ नया सा चीज़ है, कीमा पाव से हट के है खुरचन पाव। इसमें आप देख सकते हैं कीमा में बहुत छोटा छोटा चिकन का पीस होता है, यहाँ बड़ा बड़ा पीस मिल रहा है और एक पाव मिल रहा है। काफ़ी सफिशियंट क्वांटिटी लग रहा है, 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए कम्प्लीट मील एक तरह का है ये। ये चला जाए और इसे ट्राई किया जाए। अब ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है चिकन खुरचन पाव, जिसमें कि दिया जाता है आपको दो पाव, साथ ही ढेर सारा ये चिकन खुरचन है। बेसिकली ये एक बोनलेस पीस होता है और इंडियन ग्रेवी होता है, लटपट जैसा होता है, सेमी ड्राई होता है। और इसको ट्राई किया जाए इस पाव के साथ। बिल्कुल गर्मा गर्म ठंड के मौसम में चिकन खुरचन पाव खाइए। मज़ा आ गया खा के, मतलब आप इसको नॉन वेजिटेरियंस का चिकन लवर का पाव भाजी कह सकते हैं। जो वेजिटेरियन पाव भाजी होता है उसका ये समझिए कि नॉन वेजिटेरियन वर्जन है। चिकन दिया गया है, पाव दिया गया है और बिल्कुल परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पाव और चिकन एक दूसरे को। बोनलेस चिकन देख के हमको ऐसा लगा कि हो सकता है कि हल्का चिकन हार्ड होगा, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, चिकन बिल्कुल सॉफ्ट है। और देखिए स्पून से भी ये चिकन टूटने वाला है, इतना सॉफ्ट चिकन है कि बोनलेस होने के बावजूद ये स्पून से भी टूट रहा है। काफ़ी सॉफ्ट लगा चिकन और 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बिल्कुल सफिशियंट है। ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मायूस होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पनीर खुरचन का। ये देखिए पनीर खुरचन का भी ऑप्शन है, जिसमें कि दो पाव बिल्कुल खा चुके हैं हम लोग, थोड़ा इसलिए आपको क्वांटिटी कम लग रहा होगा, बट बिल्कुल सेम क्वांटिटी आपको मिलेगा जितना चिकन खुरचन में मिला था, बिल्कुल सेम क्वांटिटी पनीर खुरचन में भी। और यहाँ ये पनीर मिलने वाला है, ये देखिए पनीर भी काफ़ी सॉफ्ट और जूसी लग रहा है। तो वेजिटेरियंस के लिए भी प्रॉपर ऑप्शन है, रोल्स में भी प्रॉपर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, चीज़ कॉर्न रोल है इनका और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ का रोल है। अब हम लोग इस पनीर खुरचन को खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। खुरचन पाव सिर्फ यहाँ हम ही को पसंद नहीं आया, और भी देखिए दो ब्लॉगर यहाँ खुरचन पाव का मज़ा ले रही हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा यहाँ का खुरचन पाव। बहुत अच्छा
अच्छा लग रहा है। चिकन जो है एकदम जूसी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है और स्पाइसी भी है, तो बहुत मज़ा आया खाने में। स्पाइसी तो बिल्कुल है, स्पाइसी और ठंड में तो खा के और मज़ा दुगुना हो जाएगा। हाँ बहुत ज़्यादा। क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छा है, मस्त ट्राई है, क्वांटिटी भी बहुत सही है और स्पाइसी तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा बन रहा है पाव भाजी, और ये पाव भाजी भी बनने वाला ऑलिव ऑयल में। देखिए ऑलिव ऑयल वाला पाव भाजी, ये काफ़ी अलग है क्योंकि कहीं भी ऑलिव ऑयल में पाव भाजी आप नहीं देखे होंगे। और ये भाजी में लगाया जा रहा है थोड़ा सा तड़का, भाजी इनका पहले से प्रिपेयर्ड होता है बट तड़का तुरंत लगा के आपको सर्व किया जाता है। और डाला गया थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला, अब डाला गया थोड़ा सा धनिया पत्ता और तड़का लग चुका है, अब डाला गया थोड़ा सा बटर, और हमारा भाजी हो चुका है तैयार। अब इसे जरा पाव के साथ ट्राई करते हैं और बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। हमारा पाव भाजी आ चुका है जिसका कि प्राइस 70 रुपीज़ और ऊपर देखिए पूरा बटर तैर रहा है इस भाजी के ऊपर। पाव में भी अच्छे क्वांटिटी में बटर यूज़ किया गया है, भाजी में भी डाला गया है। ट्राई किया जाए यहाँ के पाव भाजी को। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है भाजी इनका, लाइट रखा गया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा गया है, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको स्ट्रीट पे खड़े होकर पाव भाजी का मज़ा लेना है और हाइजेनिक भी चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट भी चाहिए, अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए MOS लाइव का आके पाव भाजी ट्राई करना। हम लोग सब कुछ खा चुके हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और स्ट्रीट फूड का मज़ा बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से मिला आज, क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मिला, ठीक है। तो फाइनली हम लोग सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, स्ट्रीट फूड का मज़ा एकदम हाइजेनिक तरीके से मिला है आज। बेस्ट की बात करें तो इनका जो कुर्चन पाव था, चिकन कुर्चन पाव, वो मस्ट ट्राई है। वेजिटेरियन है तो पनीर में भी अवेलेबल है, पनीर कुर्चन ट्राई कीजिए। नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन कुर्चन पाव वो मस्ट मस्ट ट्राई है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रोल्स में भी चिकन भुना रोल काफ़ी अलग था, तो ये दो मस्ट ट्राई कीजिएगा। बाकी भी अच्छा अच्छा चीज़ अवेलेबल है, अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, बट ये दो मस्ट ट्राई है। तो अगर आते हैं तो ये दो जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।